দিয়ে সাগরি শুনব, দিয়ে সাগরি শুনব, এ জালিম বেওয়াফা, এ জালিম বেওয়াফা। পাকিস্তান কে মাইনাস গুলোকার মুবারক আলী সাওয়ান আমারে সাথে মৌজুদ থে আর ইস জায়গা পে আয়ে হো তো ইনসে ভি হাম বাত করেঙ্গে আর ইনকে খুবসুরত আওয়াজ মে থোড়া হাম কালাম ভি সুনেঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। পুরি দুনিয়া সে জাহাঁ জাহাঁ লোক দেখ রহে তো ইহি টাইম ইহি ডেট নোট করে নেক্সট সাল আপ লোক আজে এক্সেস হে বিলকুল আসানি সে ইনকি মে ছোটি কার লেকে ভি হাম মি জিন্দেগি খারাপ লিনে হে বেজান কা রাজা। ऐसा सॉन्ग है जो सबसे पहले पे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल वहाब रब्बानी की जानिब से प्यार बड़ा सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर के खूबसूरत सियाती मकाम दिवसाई बेस कैंप वादी बैसकिन चिलम में। यहाँ पे दिवसाई स्नो फेस्टिवल के रंगारंग जो तकरीबात थे वो जारी था। आज इफ्तानी तकरीब यहाँ पे मुनक़िद की जा रही है। यहाँ पे ये भी बताया करो कि इस दिवसाई स्नो फेस्टिवल के टीचर यहाँ पे सैल व अस्करी जो अफसरान है उनकी काफ़ी तादाद समेत शायकीन और सयाहों की भी तादाद है। तो दूसरी जानब यहाँ पे खेलों के साथ साथ यहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम का भी इनका किया गया था। इस म्यूजिकल प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मायनाज गुलोकार मुबारक अली सावन हमारे साथ मौजूद थे और इस जगह पे आए हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे और इनके खूबसूरत आवाज में थोड़ा हम कलाम भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले दिवसाई स्नो फेस्टिवल में आपको वेलकम। और ये दिवसाई स्नो फेस्टिवल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी आए, और ये फेस्टिवल आपको सबसे पहले कैसे लगा? सर फेस्टिवल तो हमने पहली बार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उस यहाँ पर तो स्टोर और दिवसाई एरिया में हमारा बहुत पुराना हिस्सा है। हम पहले से यहाँ इन पहाड़ों में परफॉर्मेंस कर चुके हैं और आगे एलओसी तक भी जाके हमने परफॉर्म किए। तो सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सेने स्नो चैम्पियनशिप जो मुनक़िद कराए, जो अपने हमारे पुलिस स्टेशन जो भी है स्टोर के गिलगित बल्तिस्तान के, उन सब के शुक्रगुजार है। यहाँ के इतने पसमंदा इलाके में लोगों को इतना इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और लोगों को इतना सैर व तफरी मुहैया कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं तो यही टाइम यही डेट नोट करें, नेक्स्ट साल आप लोग आ जाए। एक्सेस है बिल्कुल आसानी से, इवन की मैं छोटी कार लेके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, इतना आसान रोड बनाए सड़क बनाए, आप लोग आ जाए इंजॉय करें और अपने कल्चर को अपने इलाके को अपने टूरिज्म को प्रमोट करें। और मैं बहुत यकीन करें शुक्रगुजार हूँ अस्टोर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है अस्टोर के आवाम के, इतना प्यार दिया। हम आए रास्ते में हमें कोई ऐसी परेशानी होने नहीं दी, इवन की हमारे गाड़ियों को तक भी दे दिया, इवन की वो घरों से हमें पानी तक भी ला के दे दिया ताकि पानी पिए आप लोग ऐसा न जाए। तो यहाँ के आवाम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छे लोग। जबरदस्त मुबारक साहब, आपकी गुलाकारी के बारे से जरा बात करेंगे। बहुत ही आपकी खूबसूरत आवाज है और गिलगित बल्तिस्तान के एक मायनाज आप गुलकार हैं, तो यकीन आपने गुलकारी कब से शुरू की है और कब अब तक कितने आपके एल्बम रिलीज हो चुके हैं? तो गुलकारी तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, मतलब याद नहीं मैं कब से गा रहा हूँ। अच्छा। कि जो प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया वो 2000 से किए। अच्छा, तो उसके बाद बाकी ये अस्टोर में जो मेरी परफॉर्मेंस रही 2005 में मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई है यहाँ पे अस्टोर में अंदर स्नो स्कूल में। तो बाकी अस्टोर में काफी हमारा पुराना रिश्ता है अस्टोर, लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं आर्टिस्ट के लिए। आप कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो सबसे पहले पे ज्यादा पॉपुलर हुआ था? वो थो जो हम उसमें यार थे नुम लिखी सजदार। अच्छा, उसके बाद मेरा जिंदगी का पहला वीडियो शूट भी अस्टोर में हुआ। अच्छा, पता नहीं है शायद कौन सा वीडियो है वो, इसी के मराठी जिले में जिंदगी खराब भी लेने, वो शेर आलम शहबाज का जो कलाम था वो मैंने उसमें उसमें क्या है ऊपर है रामा 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 में आपने वो शूट किया था। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, लोगों ने पसंद किया। अच्छा, और मेरा पहला जो मशहूर है वो गाना था जो उसने यार थे नम लिखी सजदार है। उसके बाद उस दूसरा जो है मैं वजह शोहरत बनी है वही वीडियो इसी के मेरा। अच्छा अच्छा, स्टोर के जरिए मेरा। तो आज जिससे आपकी शोहरत हुई उसका थोड़ा कुछ कलाम हमारे नाजरीन को पेश करना खूबसूरत है। जरूर मैं दो तीन कलाम पेश करूंगा मौके के मुनासिब। मेरा मशहूर सॉन्ग है वो भी है, उसको मैंने अपने YouTube चैनल पे मेरा नाम से YouTube चैनल नहीं आउट में लिखा। ठीक ठीक, इश्क़ के मरा सच्ची जिलच में मैं जिंदगी खराब बिलने है मैं जान का रजा बिलने, इश्क़ के मरा सच्ची जिलच में मैं जिंदगी खराब बिलने है बेजान का रजा बिलने,
ایک یہ سانگ تھا جو ویڈیو شوٹ استور میں زبردست میرا جو مشہور پہلا گلی بلستان میں جو مشہور سانگ ہے اس نام ہے وہ جو ہن سنیا تینوں کی سجدہ دیئے شادر شین بو دیئے شادر شین بو اے ظالم بے وفا اگلا جو دل ہے اچھا ایک اور دوسرا جو گلیت بلستان پورے پاکستان اور پوری دنیا کے ہم نے ایک میسج بھی دیا کہ ہم گلیت بلستان کے لوگ کتنے دل کے اچھے ہیں اور خوبصورت ہیں پیرو جب 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 پ